बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबंग खान यानी सलमान खान की दोस्ती के जितने किस्से हैं, उससे कहीं ज्यादा अनबन की खबरें रहती हैं। कहते हैं अगर भाईजान किसी के साथ काम ना करने का कमिटमेंट कर दे तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। ऐसा ही कुछ हुआ था इंडस्ट्री की मशहूर दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ, जब अंदाज अपना अपना के बाद सलमान ने उनके साथ काम ना करने की ठान दी थी, जिसके बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। कुछ वक्त पहले सरोज खान का जूम के साथ एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें वो सलमान के उनके साथ इस रवैये को लेकर बात करती नजर आ रही हैं। सलमान की नाराजगी की वजह बताते हुए सरोज ने कहा था कि वो फिल्म अंदाज अपना अपना को कोरियोग्राफ कर रही थी और एक सॉन्ग के शूट के दौरान आमिर को जहां स्टार्स वाले स्टेप दिए गए थे, वहीं सलमान खान के गले में सिर्फ ढोल डाल दिया गया था। कहते हैं इस बात को लेकर सलमान खान सरोज खान से बेहद नाराज हो गए थे और दोनों के बीच तलखी बढ़ गई थी, जिसके बाद सलमान ने कहा था कि मैं जब टॉप का हीरो बन जाऊंगा तो आपके साथ कभी काम नहीं करूंगा। एक इंटरव्यू में सरोज ने बताया था कि मैंने सलमान को कहा था कि मैंने वही किया जो डायरेक्टर ने मुझसे करने को कहा, आपको बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी, आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे, रोटी अल्लाह देता है तू नहीं। दिलचस्प बात ये है कि इस सब के बाद 2019 में मिड्डे के साथ एक इंटरव्यू में सरोज खान ने खुलासा किया था कि उन्हें कोई ऑफर फिल्म का नहीं मिल रहा था, और जब सलमान खान ने उनके इस हालात के बारे में जाना तो सलमान ने उन्हें अपनी एक फिल्म के लिए साइन करने का वादा किया था।